मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल। शुरुआत में हमें यूनाइटेड किंगडम का लंदन शहर दिखाया जाता है, जहां पर IMF यानी कि इम्पॉसिबल मिशन फोर्स का एक नया एजेंट हानावे गुंडों से न्यूक्लियर कोड्स की फाइल को चुरा कर IMF के हेडक्वार्टर्स तक ले जाना चाहता था। लेकिन तभी एक असासिन, मतलब चोर भी कह सकते हैं इसे, मरु नाम की लेडी आकर इसे जॉन से मार देती है और उस न्यूक्लियर कोड्स वाली फाइल को अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रशिया के मॉस्को शहर में, और यहां की जेल में हमारी कहानी के लीड एक्टर टॉम क्रूज यानी कि इथन हंट एक कैदी की तरह पड़े होते हैं। जुर्म था 6 साइबेरियंस को जान से मार देने का। अब उनकी जान क्यों ली गई है वो मैं कहानी में आपको आगे बताऊंगा। इन बिटवीन इथन को बचाने के लिए यहाँ पर दो एजेंट्स बेंजी और कार्टर पहुंच जाते हैं। अब एक बहुत खास बात बताता हूँ मैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मूवी की जब भी स्टार्टिंग होती थी तो एक बारूद की रस्सी को जलते हुए दिखाया जाता था, मगर बम कहां फटता था वो कभी दिखाते नहीं थे। तो इस बार डायरेक्टर्स ने उस चीज को इम्प्लीमेंट किया है और यहाँ पर एक जलती बारूद की रस्सी को जेल के नीचे की दीवार पर लगा दिया गया था, जहां से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। बेंजी और कार्टर उसमें जाकर के जेल के सारे सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हैक कर लेते हैं, जिसके बाद जेल की सभी दीवारें, सभी के सभी कैदियों के खाने बेंजी की उंगलियों पर थे और वो एक एक करके सभी के लॉक खोलता जा रहा था। इसमें से काफी सारे कैदी बाहर निकलकर पुलिस के साथ लड़ने लगते हैं, कुछ का आपसी मतभेद होता है तो बहुत फाइटिंग होती है। मीनवाइल टॉम क्रूज भी बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर जाने की बजाय वो अंदर जाकर फाइट करने लगते हैं। बेंजी मना करता है कि अंदर जाकर के मुसीबत क्यों मोल ले रहे हो, हम तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इथन भैया को यहाँ से एक बॉगडॉन नाम के शख्स को भी बचाना था और वो भरी कुटाई में घुसकर बॉगडॉन को बचाकर वहां से ले आते हैं। बॉगडॉन को अब तक ही लग रहा था कि इथन एक रशियन है, क्योंकि वो अभी तक उससे रशिया में बात कर रहा था, लेकिन जब वो उससे इंग्लिश, मतलब कहानी तो हिंदी में डब है, हिंदी में बात करता है तो वो शॉक हो जाता है। तो जैसा कि मिशन इम्पॉसिबल का की एलिमेंट है कि हर मूवी के अंदर इथन को छोड़कर उसके बाकी के दो पार्टनर्स चेंज हो जाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर, हेलीकॉप्टर ऑपरेटर, साइबर सिक्योरिटी हैकिंग और मिशन में फाइटिंग और गोलीबारी करने के लिए दूसरे एजेंट्स। तो इस बार में भी दो नए थे। कंप्यूटर ऑपरेटर में लूथर की जगह बेंजी को रख लिया गया था और टीम में एक और नई एजेंट थी जिसका नाम है कार्टर। खैर, मैंने लूथर को बहुत मिस किया, अगर आपने भी मिस किया हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। लेकिन हाँ, कहानी के एंड में उनका एक छोटा सा कैमियो जरूर है। तो यहाँ इथन भैया का अपनी टीम से पूछना था कि मुझे तुमने बचाया क्यों, जहां पर कार्टर बताती है कि अभी हमारे पास में खबर आई है मरु नाम की एक असैसिन जिसने न्यूक्लियर कोड्स को चुराकर ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए हेंड्रिक्स नाम के शख्स से सौदा कर लिया है, तो हमें कैसे भी करके मरु से वो फाइल वापस लेकर के आनी है। वही इथन को IMF की तरफ से मैसेज आता है। अब जैसा कि हर मूवी के अंदर दिखाया गया है कि इथन को कभी फर्स्ट मूवी में एक फ्लॉपी डिस्क से मैसेज आया था, फिर सेकंड मूवी में एक चश्मे से मैसेज आया था और थर्ड मूवी के अंदर एक कोडैक के कैमरे में मिशन था, तो वैसे ही इस फोर्थ मूवी में एक टेलीफोन बूथ में उसको एक मिशन मिलता है कि हेंड्रिक्स नाम का एक साइंटिस्ट जिसकी मेंटेलिटी ऑलमोस्ट थानोस जैसी है, जो कि दुनिया को खत्म करना चाहता है ताकि वो वापस से रिबिल्ड होकर अच्छे से जी सके, तो उसे न्यूक्लियर कोड्स चाहिए। उसके बाद में उसे उस सैटेलाइट और सबमरीन की लोकेशन भी चाहिए जहां से इस न्यूक्लियर मिसाइल को छोड़ा जा सके, और ये दोनों ही चीज की इन्फॉर्मेशन तुम्हें मॉस्को शहर के क्रेमलिन में मिलेगी। अब यहाँ इस मिशन को पूरा करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 5 घंटे हैं और तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। एंड एज यूजुअल, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन दे देने के जस्ट 5 सेकंड के बाद में वो चीजें बूम हो जाया करती थी, तो इस बार हुई नहीं थी। तो इथन जाकर एक मुक्का पेलता उसमें और वो बूम हो जाती है। ओके, सो क्रेमलिन, अगर इसे एक्सप्लेन करूं तो जिस तरीके से जोधपुर में मेहरान फोर्ट है, जयपुर के अंदर आमेर फोर्ट है, तो वैसे ही रशिया के मॉस्को शहर में क्रेमलिन नाम का एक फोर्ट है, जो कि एक मतलब टूरिस्ट प्लेस है जहां पर लोग आते हैं, फोटो वगैरह खींचते हैं। तो वहां ये इन्फॉर्मेशन पड़ी है कि कौन सी सबमरीन के अंदर किस सैटेलाइट को हैक करने से न्यूक्लियर कोड्स काम आ जाएंगे और किसी चुनिंदा शहर को उड़ाया जा सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन कहीं हेंड्रिक्स के हाथ ना लग जाए, इसीलिए इथन और बेंजी जाकर हेंड्रिक्स से पहले उसे चुराने की कोशिश करते हैं। और रूप बदलने में तो IMF के एजेंट्स वैसे ही माहिर हैं, तो ये एक बड़े ऑफिसर का रूप बना लेते हैं। वहीं कार्टर एक गुब्बारे में एक कैमरे को फिट करके एक चिमनी में गिरा देती है। अब ये एक कैमरा कम ट्रांसमीटर था जिसकी मदद से आपस में लोग कम्युनिकेशन भी कर सकते थे और ऊपर से रेडियस के अंदर रहकर सब चीजों पर नजर भी रख सकते थे कि कौन कहां आ रहा है, कैसे क्या जा रहा है। बड़ा एडवांस इक्विपमेंट है IMF के पास में, काश हमारे पास भी ऐसे होते। ओके, सो कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, बेंजी और इथन क्रेमलिन के उस सीक्रेट चेंबर तक पहुंच चुके थे जहां पर
नेशनल सीक्रेट्स पढ़े थे, एज लाइक एज सबमरीन की लोकेशन, सैटेलाइट्स की लोकेशन और भी काफी सारे सीक्रेट्स। तो ये लोग वहां पर एक होलोग्राफिक इमेज के थ्रू वहां की सिक्योरिटी गार्ड को पागल बनाने की कोशिश करते हैं। एंड लिटरली ये होलोग्राफिक इमेज इतनी बड़ी थी कि पूरी लॉबी कवर कर रही थी और उसमें एक ट्रैकिंग डिवाइस भी था जो कि सिक्योरिटी गार्ड की आंखों को ट्रैक कर रहा था। तो ये लोग उस मशीन से सीधा पहुंच जाते हैं सीक्रेट चेंबर में, लेकिन यहाँ इथन को पता चलता है कि उन लोकेशंस वाली कैसेट्स को ऑलरेडी किसी ने चुरा लिया है इथन की चुराने से पहले, और वो कौन था, मतलब कहानी का लीड विलन हैंड्रिक्स। और ऊपर से हैंड्रिक भाई साहब ने उनके कम्युनिकेशन डिवाइस को हैक करके उसे पब्लिकली कर दिया और ये लीक कर दिया, बॉस काम हो चुका है, यहाँ पर बम फूटने वाला है, जितना जल्दी हो सके निकलो। अब पब्लिकली बात हो चुकी तो पुलिस को भी ये खबर चल जाती है कि हमारे क्रेमलिन ने किसी ने सीक्रेट चैम्बर में जाकर के कुछ सीक्रेट कैसेट्स को चुराया है। तो सारी पुलिस इनके पीछे लग जाती है। ऊपर से बॉम्ब ब्लास्ट का भी खतरा जो था वो सब सुनकर हैरान हो चुके थे और बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है। इथन भैया बेंजी और कार्टर को कहते हैं कि तुम दोनों अपनी जान बचाकर अलग अलग भागो, मैं तुम्हें कॉन्टेक्ट कर लूंगा कि कहां पर मिलना है। और फिर वो अपना जैकेट उल्टा करके पहनते हैं, मतलब मजा आ गया यार, डबल जैकेट। मगर इतने में ही सचमुच क्रेमलिन में एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसके अंदर ऑलमोस्ट वहां की मौजूदा पब्लिक घायल हो जाती है, बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं, ऊपर से इथन भैया भी हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं। और जब उनकी आंखें खुलती है तो वो अपने हाथों में हथकड़ी पाते हैं। यहाँ पर लियोनार्ड नाम का एक लोकल पुलिस ऑफिसर इथन को ये कहता है कि हमने तुम्हारी सारी की सारी कम्युनिकेशन सुन ली है कि तुम ही ने सीक्रेट चैम्बर्स में से जाकर कैसेट्स को चुराने की कोशिश करी, ऊपर से क्रेमलिन ने एक बहुत बड़ा धमाका भी कर दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। इतने में ही वहां की नर्स आ जाती है और कहती है कि यहां पर धमकी देना और सिगरेट पीना अलाउ नहीं है, ये एक हॉस्पिटल है। अब मूवी का नाम है घोस्ट प्रोटोकॉल, तो घोस्ट की तरह इथन भैया उनकी नजरों के सामने से ही गायब हो जाते हैं। लियोनार्ड इथन को ढूंढने के लिए खिड़की में आता है, तब वो देख पाता है कि इथन भैया करीब छठवें माले से कूदने की कोशिश कर रहे हैं। तो लियोनार्ड कहता है भैया वापस आ जाओ। जहां इथन भी नाटक करता है उसके पास आने का, लेकिन वो तो उसकी चाल थी, फटाफट से पैंट में से बेल्ट निकालकर ऊपर के तार से लटक कर नीचे जाती हुई गाड़ी के ऊपर कूद जाता है। अब हालांकि हॉस्पिटल के मरीज थे तो पैर में चप्पल थी नहीं, तो यहाँ पर घोस्ट की तरह इथन भैया किसी के कपड़े, किसी का मोबाइल, तो किसी के जूते चुरा कर अपनी टीम से और IMF हेडक्वार्टर्स में कॉन्टेक्ट करते हैं और कहते हैं कि मुझे ऐसे भी करके यहाँ से निकालो। इन बिटवीन कहानी का विलन यानी कि हैंड्रिक्स पहुंच जाता है रशिया के एक ऐसे साइंटिस्ट के घर पर जिसे कि न्यूक्लियर कोड्स को चेक करना आता था। इस बंदे का नाम होता है लिंकर्स। अब जैसा कि इथन ने हेडक्वार्टर्स में कॉन्टेक्ट किया था, तो यहाँ पर उसे बचाने के लिए IMF के सेक्रेटरी और डॉक्यूमेंटल एक्सपर्ट आ जाते हैं। डॉक्यूमेंटल एक्सपर्ट यानी कि हमारे हॉकाई क्लिंट बार्टन, मार्वल वाले। इस मूवी में भी ये एक छिपे हुए एजेंट का काम कर रहे हैं, खैर वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही। अब यहाँ पर सेक्रेटरी का इथन से कहना था कि तुम्हारी वजह से पूरी की पूरी IMF को बंद कर दिया गया है, ये पूरी सर्विस शट डाउन कर दी गई है, क्योंकि रशिया में जो इतना बड़ा धमाका हुआ उन्होंने US गवर्नमेंट से कॉन्टेक्ट किया और US गवर्नमेंट ने IMF को पूरी तरीके से बंद कर देने के आदेश पारित कर दिए हैं, और ऊपर से मैं जो तुम्हें लेने के लिए आया हूँ अब तुम्हें भी US में जाकर जेल में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर तुम हमारे सर पर बंदूक रखकर अगर इस जगह से भागने की कोशिश करो और इस मिशन में कामयाब हो जाओ तो IMF फिर से कुछ ना कुछ US गवर्नमेंट के साथ बात करके वापस आ सकती है। जिस पर ब्रांड कहता है कि सर ये तो आप उसे सीधा सीधा क्लू दे रहे हो यहाँ से निकलने का। खैर ब्रांड और बार्टन में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है और इसका फेस देखते मुझे क्लिंट बार्टन की याद आ रही है, तो मैं ब्रांड की जगह बार्टन नाम यूज करूंगा, तो थोड़ा समझ लेना। अब इतने में यहाँ पर लोकल पुलिस ऑफिसर्स लियोनार्ड के थ्रू इन पर गोलियां बरसाना शुरू हो जाती है। इस बीच सेक्रेटरी की जान चली जाती है और इनकी कार का बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो सीधी जाकर पानी में गिर पड़ती है। ऊपर से सारे पुलिस ऑफिसर इनके ऊपर धड़ाधड़ गोलियां चलाते हैं, जहां पर इथन एक फ्लेम का इस्तेमाल सेक्रेटरी के हाथ में लगाकर बॉडी को पानी में छोड़ देता है और सारे शूटर्स उस पर गोली चलाने लगते हैं और पीछे से बार्टन और इथन बचकर वहां से निकल जाते हैं। बार्टन कहता है कि तुम्हें ये आइडिया आया कहां से कि एक लाश को तुम पानी में छोड़ दोगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा और ऊपर से वो गोलियां भी उस पर चलाते रहेंगे। जहां पर इथन बहुत बढ़िया बात कहता है कि वो लोग पानी में अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे और मैंने जस्ट उन्हें एक निशाना दे दिया, तो जाहिर सी बात है वो सभी उस पर गोलियां चलाएंगे, तो हम बचकर निकल गए। और वैसे भी पुलिस वालों में इतना दिमाग होता नहीं है। खैर यहां से निकल भागने के लिए सेक्रेटरी ने ऑलरेडी इथन के लिए रेलवे स्टेशन की एक बोगी 426 का इंतजाम कर रखा था जिसके अंदर ये दोनों ही भाग करके पहुंच जाते हैं। यहाँ उन्हें बेंजी और कार्टर भी मिलते हैं। अब ये चारों एक तरीके से IMF के आखिरी एजेंट्स थे, क्योंकि अब तो ऑलरेडी IMF खत्म हो चुकी है। अगर IMF को वापस से लाना है तो इन्हें ये साबित करना था कि वो बॉम्ब ब्लास्ट हैंड्रिक्स ने करवाया है और ऊपर से हैंड्रिक्स को रंगे हाथ पकड़वाना भी था ताकि इनके ऊपर जो इल्जाम लगा है वो हट सके और दुनिया भी बच सके। तो कुल मिला के कहानी ये है कि हैंड्रिक्स, जिससे अभी ये पता है कि कौन सी सैटेलाइट हैक करने से किस सबमरीन से कॉन्टेक्ट करने पर न्यूक्लियर मिसाइल्स को छोड़ा जाए, लेकिन न्यूक्लियर मिसाइल को लगते हैं न्यूक्लियर
न्यूक्लियर कोड्स जो कि मरु नाम की एक असासिन ने चुराए थे। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझना, सबमरीन की लोकेशन चुराई गई मॉस्को से, कोड्स चुराए गए लंदन में, और अब इन दोनों की डील होने वाली है दुबई में। तो अब यहाँ एथन और उसकी टीम का काम था कैसे भी करके दुबई पहुंचना और उन कोड्स को चेंज कर देना और हेंड्रिक्स को रंगे हाथ पकड़ लेना। इस काम के लिए उन्हें जिस भी चीज की जरूरत थी वो सारी चीजें इस बोगी में मौजूद थी, एज वेल एज गन्स, कैमरास, ट्रांजिस्टर्स, कुछ खुफिया गैजेट्स यानी कि बम धमाके करने वाले, दीवार पर चिपकने वाले, फेस को चेंज करने वाले, बहुत सारे फर्जी पासपोर्ट्स और ढेर सारी करेंसी। इनकी मदद से ये लोग पहुंच चुके थे दुबई और यहाँ इनका मिशन था बुर्ज खलीफा में। अब यहाँ बेंजी का प्लान था बुर्ज खलीफा को पूरी तरीके से हैक कर लेना ताकि उसकी नजर हर एक सीसीटीवी कैमरे पर जा सके, मगर दिक्कत की बात ये थी कि बुर्ज खलीफा के कैमरेज और वहाँ की जो साइबर नेटवर्किंग थी वो मिलिट्री ग्रेड की थी, यानी कि उसे बाहर से हैक नहीं किया जा सकता था, अंदर जाकर खुद की चिप लगाकर ही हैक किया जा सकता था। और फिर आता है लिटरली इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सीन, जिसकी वजह से आई थिंक ये मिशन इम्पॉसिबल सीरीज जानी जाती है, बहुत तगड़े स्टंट और बहुत ही भयंकर मिशन की वजह से। इथन भैया के हाथ में थे कांच पर चिपकने वाले ग्लव्स और उनकी मदद से ये लोग 110वीं मंजिल पर थे और इन्हें 128वीं मंजिल तक पहुंचना था, मतलब ऑलमोस्ट 15 माले इथन हंट चिपक कर पहुंचने वाला था। मगर रास्ते में दिक्कत ही हो जाती है कि एक ग्लव काम करना बंद कर देता है। फिर भी इथन हार नहीं मानता और सिर्फ एक ही हाथ यानी कि जो उसका लेफ्ट हैंड बजाता उसकी मदद से 128वीं मंजिल पर पहुंचकर कांच काटने वाले कटर की मदद से उस फ्लोर में उतरकर खुद की चिप लगा देता है ताकि बेंजी अपने हैकिंग के काम को सही तरीके से कर सके। ऊपर से जब तक ये सारा काम चल रहा था, मीनवाइल यहां कार्टर और बेंजी मिलकर कमरों के नंबर्स अदल बदल देते हैं क्योंकि मरु को इन कोड्स के बदले हीरे मिलने वाले थे और हेंड्रिक्स का जो आदमी था वो यहां पर लिंकर्स को लेकर के आया था उन कोड्स को चेक करने के लिए कि वो वैलिड है या नहीं। लेकिन इस डील को अगर डायरेक्टली रोकेंगे तो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाएंगे और सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। तो ये लोग बड़ी स्मार्टली एक बहुत अच्छा प्लान बनाते हैं कि कार्टर बनेगी मरु और वहीं पर बार्टन और इथन बनेंगे हेंड्रिक्स और डील होगी अलग अलग कमरे में। यहाँ बार्टन की आंखों में एक ऐसा लेंस लगा दिया जाता है जिससे कि दो बार क्लिक करने से फोटो क्लिक हो जाती है। सबसे पहले मरु से मिलने के लिए बार्टन और इथन पहुंचते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स की फोटो क्लिक करते करते सीधा कार्टर तक पहुंचाते जाते हैं। उसके पास जो ब्रीफकेस था उसमें एक इनबिल्ड प्रिंटर भी था जिसके अंदर से फटाफट से फोटोज के प्रिंट निकलते जाते हैं और सारे न्यूक्लियर कोड्स अब लेंसकर्स के सामने थे। लेकिन तभी यहाँ पर मरु को शक हो जाता है और इन सभी के बीच में फाइटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। हालांकि इस फाइटिंग में मरु को लात पड़ जाती है और वो बुर्ज खलीफा से गिरकर मारी जाती है, मगर इसी बीच हेंड्रिक्स वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इथन हार नहीं मानने वाला था क्योंकि ये उसके पास आखिरी मौका था IMF को बचाने का। अगर उसके हाथ हेंड्रिक्स नहीं लगता तो वो और पूरी की पूरी IMF खतरे में आ जाती। इसलिए वो कार से उसका पीछा करता है। लेकिन तब तक दुबई में एक बहुत बड़ा रेत का बवंडर आ चुका था जिसकी वजह से हर जगह रेत ही रेत फैल चुकी थी। अब क्योंकि इथन उन बिल्डिंग्स पर चढ़ रहा था तो उसके पास ग्लासेस थे, तो उनकी मदद से ग्लासेस पहनकर वो हेंड्रिक्स का पीछा करना शुरू करता है। लेकिन तब तक हेंड्रिक्स एक कार लेकर निकल जाता है। यहाँ पर अगेन कार चेज भी होता है इनके बीच में। खैर ये बहुत लंबा कार चेज था, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट, इसलिए डायरेक्ट कंक्लूजन पर आते हैं। इथन के हाथ से हेंड्रिक्स निकलकर भाग चुका था। अब वो आता है बार्टन के पास और कहता है कि तुम आखिर हो कौन, क्योंकि एक डॉक्यूमेंटल एक्सपर्ट को इतना अच्छा लड़ना नहीं आता, वो सिर्फ और सिर्फ एक एजेंट को आता है, और तुमने आज जिस तरीके से बंदूक का इस्तेमाल किया और उनसे फाइटिंग करी वो एक एजेंट ही कर सकता है। अब तो इथन के बाकी की टीम मेंबर्स यानी कि बेंजी और कार्टर को भी बार्टन पर शक होने लगता है। लेकिन इथन के लिए ये मैटर ज्यादा जरूरी नहीं था, जरूरी था हेंड्रिक्स, और उसे पकड़ने के लिए उसे दुबई का एक ऐसा शख्स चाहिए था जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन माफिया किस वक्त कहां पर क्या कर रहा है, जिसका नाम था द फॉग। और यहां पर उसे लेने के लिए आता है फर्स्ट मूवी से मैक्स का सेक्रेटरी। अगर आपने फर्स्ट मूवी देखी होगी तो ये लंबे बाल वाला कैरेक्टर आपको याद होगा। पहले तो मुझे लग रहा था कि दुबई में मैक्स बैठी होगी और वही इन सारे इलीगल कामों पर नजर रखती होगी, लेकिन मैक्स नहीं थी शायद, पता नहीं चेंज कर दिया डायरेक्टर ने। और सबसे खास बात ये थी कि द फॉग का जो भाई था यानी कि बॉगडॉन, जिसे इस मूवी की स्टार्टिंग में इथन ने बचाया था, और यही रीजन था कि द फॉग इथन की मदद करने के लिए तैयार था। इथन उसे कहता है कि मैं हेंड्रिक्स नाम के एक शख्स की तलाश में हूं, उसने ऑलरेडी हमसे न्यूक्लियर कोड्स चुरा लिए हैं और वो अब एक सीक्रेट सैटेलाइट को हैक करने के लिए पहुंच रहा है, मगर वो सैटेलाइट है कहां पर और वो किस सबमरीन से कांटेक्ट करेगा ये हमें नहीं पता, क्या तुम इसमें हमारी मदद कर सकते हो। जिसमें द फॉग कहता है कि वो अभी इंडिया के मुंबई शहर में गया है जहां की सैटेलाइट में अगर न्यूक्लियर कोड्स डाले जाए तो अंटार्कटिका की सबमरीन एक्टिवेट हो जाएगी जिससे वो पूरे के पूरे US को उड़ाने वाला है। अब ये जो द फॉग है ये एक्चुअली पैसों के बदले काम करता है। तो पहले तो इसने हेंड्रिक्स की मदद करी थी मरु से मिलवाने के लिए ताकि वो इसे न्यूक्लियर कोड्स ला कर दे, अब इसने इथन की मदद कर दी ताकि ये हेंड्रिक्स को पकड़ सके, अब उसके बाद में कॉल कर देता है लियोनार्ड को भी ताकि वो इथन को पकड़ सके। खैर इंसान का जमीर है कि
ही क्या है, पैसों के बदले कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ कहानी में थोड़ी सी डीप कॉन्वर्सेशन है तो मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। मैंने आपको कहा था कि कहानी की शुरुआत में ईथन हंट, जिसे की 6 साइबेरियंस की मर्डर के इल्जाम में जेल में बंद कर दिया गया था, तो हुआ ये था कि ईथन और उसकी वाइफ जूलिया पर कुछ लोग जान से हमला करने के लिए आने वाले थे, मगर IMF के एक एजेंट बार्टन, जिसे ये मिशन मिला था कि इन दोनों को जान से बचाना है, और ईथन को ये पता नहीं लगने देना है कि बार्टन उनकी सुरक्षा ही कर रहा है। अब एक दिन होता यह है कि जब ईथन वॉकिंग करने के लिए निकलता है तो बार्टन उसके पीछे पीछे चला जाता है और दो लोगों को जूलिया की सिक्योरिटी के लिए छोड़कर जाता है, मगर जब तक बार्टन वापस आता है जूलिया वहां से गायब थी और उसकी लाश मिलती है 3 दिन बाद में, और वो भी इस हालत में कि किसी को भी उसका फेस रिकॉग्नाइज ही नहीं हो पाए। यानी कि एक तरीके से बार्टन अपने मिशन में फेल हो चुका था और ईथन को गुस्सा आया था उन लोगों पे, मतलब उन 6 गुंडों सर्बियंस पे जिन्होंने उसकी वाइफ को मारा था। तो सीधा ईथन जाकर उन्हीं 6 गुंडों को यानी कि सर्बियंस को जान से मार डालता है, और यही रीजन था कि इस मूवी की शुरुआत में हमें ईथन जेल में दिखाया गया था। आई होप यहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ से कहानी के मस्त और सबसे बेहतरीन मोमेंट्स स्टार्ट होते हैं, क्योंकि शूटिंग इंडिया में हो चुकी है और जिन भाई साहब की ये सैटेलाइट थी इनका नाम था ब्रिजनाथ यानी कि अनिल कपूर, इनके घर पर इन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी दी थी जहाँ पर ये तैयार होकर पहुंच जाते हैं सभी लोग, और ईथन भैया के पास आ चुका था एक और मिशन। अब इस मिशन में इन्हें करना ये था कि कैसे भी करके इस पार्टी से ब्रिजनाथ को अलग करके इन्हें सैटेलाइट के रीएक्टिवेशन कोड्स चाहिए थे, ताकि अगर हैंड्रिक्स चालू भी करते तो ये लोग उसे बंद कर पाए। वहीं बार्टन का काम था ब्रिजनाथ के घर के नीचे बने नेटवर्क सेंटर में जाकर के सैटेलाइट को ही पूरी तरीके से हैक कर लेना, और वहां पर वो खुद की चिप लगाने के लिए पहुंचा था। बेंजी ने उसे एक ऐसा सूट दिया था जिससे कि वो हवा में फ्लोट कर सके, क्योंकि जमीन पर बहुत गर्मी थी और सिर्फ एक सूट ही उसकी जान बचा सकता था। ऑलमोस्ट बार्टन अपनी कामयाबी पर था, उसने चिप भी एक्सचेंज कर ली थी, सैटेलाइट हैक होने वाली थी, लेकिन तभी वहां की गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बार्टन के गिरने से वो चिप भी टूट जाती है, यानी कि अब ये लोग सैटेलाइट को हैक नहीं कर सकते थे। तो अब इन्हें डायरेक्टली उस सैटेलाइट की लोकेशन तक पहुंचना था ताकि ये लोग हैंड्रिक्स को रोक पाए। अब यहाँ इंडिया की छोटी सी तंग सड़कों पर ईथन भैया चलाते हैं BMW X6 सीरीज, जो कि दिखने में सचमुच इतनी प्यारी थी, लुकिंग इतनी गुड थी कि दिल कर रहा था काश मेरे पास भी हो। खैर, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास में BMW है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि कौन सी सीरीज आप यूज करते हैं, और अगर BMW नहीं है तो कौन सी खरीदने वाले हैं वो भी बता देना चलेगा। सीन शिफ्ट होता है हैंड्रिक्स पर, जिसके पास में दोनों ही चीजें थी, यानी कि सबमरीन की लोकेशन और ऊपर से न्यूक्लियर कोड्स। यहाँ ईथन और उसकी पूरी टीम हैंड्रिक्स को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक हैंड्रिक्स न्यूक्लियर मिसाइल के कमांड्स दे चुका था और वो आकर US पर गिरने वाली थी। अब इनके बीच में काफी फाइट होती है, बहुत सारा चेज होता है। एक बार तो उन कोड्स को पाने के लिए ईथन भैया BMW में बैठकर 4 मंजिल से सीधी डाइव भी मार देते हैं और एयरबैग की मदद से बच भी जाते हैं, लेकिन एट द एंड ये उस मिसाइल को फटने से रोक लेते हैं, मतलब डीएक्टिवेट कर देते हैं। इसी बीच यहाँ पर लियोनार्ड भी पहुंच चुका था, यानी कि रशियन पुलिस ऑफिसर। उसे अब तक ये लग रहा था कि ईथन दुनिया को खत्म कर देना चाहता है, लेकिन जब उसने मिसाइल रोकी तो उसने अब ये मान लिया कि IMF के लोग अभी भी अच्छा काम करते हैं और IMF को आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए। सबसे बड़ा गुनहगार हैंड्रिक्स ही था, जिसकी अभी डेथ हो चुकी है, यानी कि रशियन पुलिस और IMF दोस्त हैं। और इसी तरीके से एक और तगड़ा मिशन भी कंप्लीट होता है। अब इस मूवी के एंड में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लूथर यानी कि पिछली 3 मूवीज में जो कंप्यूटर ऑपरेटर था, हमें वो देखने को मिलता है, और इसी के साथ इनके नए मिशन भी इन्हें मिल जाते हैं। हालांकि पहले बार्टन उस मिशन को नहीं करने वाला था, लेकिन ईथन के जोर डालने पर अब वो भी मिशन को करने में ईथन के साथ मिल जाता है। इसी के साथ हमें ये पता चलता है कि ईथन की वाइफ, जिसे कि मार दिया गया था, बेसिकली वो जिम्मेदारी बार्टन को दी गई थी कि सिक्योरिटी रखना उसकी वाइफ की, लेकिन ईथन कहता है कि मेरी बीबी की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं, मेरी थी, और मैंने ऑलरेडी उसकी जान बचा ली थी और किसी और की लाश पुलिस वालों के सामने रख दी थी, ताकि सभी लोगों को ये लगे ईथन अब जेल जा चुका है और उसकी वाइफ मारी जा चुकी है, ताकि और दूसरे थ्रेट्स उनके ऊपर ना आ पाए। लेकिन जूलिया अभी भी जिंदा थी और ये दोनों आपस में एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और इनकी सीक्रेट लाइफ में वापस चले जाते हैं, यानी कि एक घोस्ट की तरह ईथन गायब हो जाता है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है।